दोस्तों से मिलने को कुर्बान कर दिया, एग्जाम
बुनियाद बनाकर कामयाबी को बुनियाद बनाया तो सब कुछ कुर्बान करना आसान हो गया। अगर मोमिन जन्नत को, आखिरत को, अल्लाह की रजा को अगर अपना मकसद बना ले, अपनी जिंदगी बना ले, तो इस सूरत में हकीकत यह है कि सब कुछ कुर्बान करना आसान हो जाए। तो उसके लिए हराम के लुकमे छोड़ना आसान है, फिर उसके लिए बेहयाई के काम छोड़ना आसान है, फिर उसके लिए गलत दोस्तों को छोड़ना आसान है, फिर उसके लिए गलत माशरे को छोड़ना आसान है। नहीं, मेरा अल्लाह, मेरा अल्लाह, मुझे तो मेरे अल्लाह की रजा मकसूद है, मेरी आखिरत मकसूद है, मेरी आखिरत की कामयाबी मकसूद है, तो फिर खुशियां भी कुर्बान कर देता है, सारी चीजों को कुर्बान करके नमाज के लिए आना आसान हो जाता है। हराम को छोड़कर हलाल के कुछ पैसों पर जिंदगी गुजारना आसान हो जाता है। हराम के लाखों को छोड़कर हलाल के 100 डॉलर पर जिंदगी गुजारना आसान हो जाता है। ऐसे इशरत की जिंदगी को छोड़कर रमों की जिंदगी को गुजारना आसान हो जाता है। और गम तो दुनिया में आएंगे, कोई ये नहीं कह सकता कि मुझ पर गम ना है। वन अभिवन न कुछ विषय के मिनल भाव वो वन के मिनल अमान वन अंश वत्तवार अवश्य स्वाभिन हम गुरु में आजमाएंगे विषय के मिनल भाव। हाँ, कभी खौफ मानकर, कभी बीमारियों का खौफ, कभी हालात का खौफ, कभी जमाने का खौफ, कभी मुसीबतों का खौफ, हम तुम्हें आजमाएंगे कि इन खौफों के अंदर तुम अल्लाह की रजा पर आते हो या अल्लाह को छोड़ते हो। मनन न तुम विषय इसमें न खो, कोरोना की बीमारी ने हमें वो आंसू और कहानी में सुस्त बना दिया कि जिसकी दुनिया से नमाजों की अहमियत खत्म के बाद धमाकों की अहमियत भी खत्म होती है। हम तुम्हें आजमाएंगे, जो कभी हालात कपड़ो पाका भूख कारोबार नहीं जॉब नहीं है वनसिंह में न लंबा निवन अंकुश, कभी मान की कमी और कभी धन में किसी का इंतकाल, बेटे का इंतकाल, बेटी का इंतकाल, भला हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यारा और नाजरा कौन हो सकता है। लेकिन उस नबी पर गमों का पहाड़ यह टूटा कि उस नबी ने अपनी हयाती में अपनी बेटियों के जनाजे उठाए, जैनब का जनाजा उठाया और रुकैया का जनाजा उठाया, अपनी जिंदगी में अपनी बेटियों के जनाजे उठाए। और ये बात मेरे भाइयों खूब सुन लो और अपने दिलों पर लिख लो, दुनिया में आने का निजाम तो अल्लाह ने तरकीब से बनाया है कि बाप पहले आता है बेटा बाद में आता है, लेकिन दुनिया में जाने का निजाम इस तरतीब पर नहीं है कि बाप पहले जाए और बच्चा बाद में जाए। ये जाने का निजाम नहीं है, जाने का निजाम अल्लाह का यह है कि कभी मैं बेटे को पहले उठाता हूं और गरीब बाप में जिंदा रहता है। इस बात को खूब समझो, वाले लगभग न तुम विषय के निर्माओं के बच्चों कभी तुम्हारे बाजार की तबाही, दुकानों की तबाही, कारोबार की तबाही, देखिए मोमिन का हाल क्या होता है। जो अच्छा सब्र करने वालों को अल्लाह रहेगा, खबर और मुसीबत जब उनको कोई मुसीबत पहुंचती है उनका इंतजार का उनका आयोजन बना दिया, तो उनका जुमला यह होता है अल्लाह मेरी औलाद भी तेरी तरफ से, मेरा कारोबार भी तेरी तरफ से, मेरा मान भी तेरी तरफ से, मेरा जॉब भी तेरी तरफ से, मेरी बीवी भी तेरी तरफ से, मेरा मकान भी तेरी तरफ से, सब कुछ तेरा है दुनिया जिंदा, हम सब कुछ तेरे हैं, वही ना तेरी जरूर और हमें तेरी तरफ लौटना है। अगर तूने दे दिया तो कोई हर्ज नहीं है, हम तेरी ही तरफ लौटने वाले हैं, तू भी देने वाला है।
إنا لله وإنا إليه راجعون. الذين إذا أصابتهم مصيبة قلبوا عليه الصلاة والسلام دنيا پسند رسول ہے. آج سے پہلے نبوت ہے, آج سے پہلے دو نبی ہوئے, ایک آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور ایک شیخ علیہ الصلوۃ والسلام. یہ دو نبی آج سے پہلے گزرے لیکن ان کو رسالت نہیں ملی, ان کو نبوت ملی. رسالت کا اونچا مقام سب سے پہلے اللہ نے جن کو عطا فرمایا وہ رسول علیہ الصلوۃ والسلام, لیکن وہ لاگنا اور پیارا 950 سال تک دنیا کے سوک رہتا تھا, پہاڑ ایسا پہاڑ جو جتنا اللہ کے قریب ہوتا ہے رسائی اتنے جھیلنے پڑے, جو جتنا قریب ہوتا ہے اتنے بچائی بات. مومن جب دعویٰ کر رہا ہے کہ میں ایمان لایا رب کے قریب پر, تو مومن کی زندگی مسائل سے گھرے ہوئے, پھر حالات ہوں گے, پھر پریشانیاں ہوگی. حضرت موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ کے حالات پڑے کہ وقت کی زندگی میں کیسے گزارا ہے, اور بدنی زندگی میں جب وہ خود شہید ہوئے ہیں تو آپ کا حال یہ ہے کہ بدن پر پوری چادر بھی نہیں ہے اور شہید کو اسی کے کپڑوں میں سپایا جاتا ہے, بس ایک چادر تھی, پاؤں بھاگتے تھے تو سر کھل جاتا تھا اور سر بھاگتے تھے تو پاؤں کھل جاتے تھے. اللہ نبی علیہ السلام نے فرمایا پاؤں بھاگ دو اور سر پر گھاس ڈال دو. دنیا کا وہ شہید انسان دنیا کے اس عالم میں گیا کہ پورا کفن بھی نہیں. مومن ہے اور پھر یہ شکایت کہ مجھ پر حالات کیسے آئے, یہ شکوہ شکایت نہیں ہونا چاہیے. مومن ہے تو پھر اللہ کی رضا کے اندر ساری تکلیفیں برداشت کرنے کے لیے بھی تیار. یہ قرآن کا ایک اعلان ہے جو اس نے صاف طور پر قرآن کہا. حضرت خدیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وقت سولی دی گئی ہے, اہل مکہ نے آپ کو پکڑا تھا اور پکڑنے کے بعد حرم سے باہر لے گئے, اور آپ کا وقت آیا, آپ کو اطلاع دی گئی کہ اب دو تین دن میں آپ کو ختم کیا جائے گا, سولی دی جائے گی. تو اس موقع پر آپ نے مسکرا مارا, کیونکہ آپ کے گھر کے اندر آپ نے مسکرا مارا کہ ذرا پکڑنے کے بعد آپ کے اندر معلوم ہے ناشتہ کیا ہوا. جس وقت آپ بال صاف کر رہے تھے کہ اسی مکان کا چھوٹا سا بچہ کھیلتا ہوا آیا, حضرت خدیب نے اپنی ناک پر بٹھا لیا. مکان کی عورت ایمان لانے کے بعد بیان کرتی ہے, فاطمہ نام ہے اس کا, وہ کہہ رہی ہے کہ میں ڈر گئی کہ کہیں خدیب میرے بچے کو باندھ نہ لے. ہاتھ میں اس تھوڑا ہے, مرنے والا ہے, مرتا کیا نہ کرتا, کہیں میرے بچے کو مار نہ دے. خدیب نے میری گھبراہٹ کو دیکھا تو فرمایا بہن گھبراؤ نہیں, میرے نبی نے بچوں کو مارنے کو منع فرمایا. اتنا ہی نہیں, جس وقت خدیب کو لے جایا گیا حرم سے باہر, فرمایا کوئی تمنا ہے, پر میں دو رکعت پڑھنے والا اپنی موت سے قبل سب سے پہلے جس نے دو رکعت پڑھی وہ خدیب ہے. اور پھر فرمایا اگر تم یہ نہ سمجھتے کہ میں موت سے ڈر رہا ہوں تو میں لمبی نماز پڑھتا. پوچھا کہ ہم تمہیں چھوڑ دیں اور محمد کو پکڑ لیں تو کیا تم راضی ہو؟ خدیب کو غصہ آ گیا اور فرمایا مجھے چھوڑ کر میرے نبی کو کانٹا بھی لگے تو خدیب برداشت کر سکتا. اور پھر اشعار پڑے فلسطین باہرین اوکل مسلمہ اجائی جو امکان اللہ مطرعی وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الْإِلَٰهِ مَنْ يَشَاءُ. یہ بار بار میں اوقات شر میں محمد بہن ہے, میں اللہ کے لیے مارا جا رہا ہوں اور میرا اللہ قادر ہے اس بات کے اوپر کہ میرے ٹکڑے شدہ بدن کو بھی دوبارہ زندہ کر سکتا ہے, اور مجھے پرواہ نہیں ہے میری موت پر جبکہ میں لا الہ الا اللہ پر مارا جا رہا ہوں. حضرت حرام سے ملحان نبی اللہ تعالیٰ عنہ دشمنوں نے جو پکڑا ہے اور سینے میں مارا ہے اور خون کا پروانہ نکلا ہے, آخری وقت ہے, جو خون کو ہاتھ میں لے کر چہرے پر لگایا اور فرمایا اس کو ورب کعبہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا, مرنے والا جھوٹ نہیں بولتا. آج کے اس آخری کلمے کو دیکھ کر 72 لوگوں نے ایمان قبول کر لیا. اس کو ورب کعبہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب.
भाइयों दोस्तों लोगों, हकीकत यह है कि मोमिन के साथ आना ईमान है तो हालात अपनी जगह मतलब है। ऐसे वक्त में मोमिन की सबसे बुनियादी हकीकत जिसको मोमिन को बनाना चाहिए वो ये है कि अम्मा मुझे जन्नत तकलीफ करें, जहन्नम से बचाए और सबसे करीब खुद राजी हो जाए। अगर मेरा और आपकी जिंदगी का ये मकसद बन जाता है तो फिर हमारे लिए नमाज आसान, फिर हमारे लिए हराम रुपये खाना जो है छोड़ना आसान, फिर हमारे लिए बेहयाई के काम को छोड़ना आसान, फिर हमें ख्वाहिशात को छोड़ना आसान, फिर हमें मनमानी जिंदगी को छोड़ना आसान, अगर मकसद अल्लाह की रजा होगा। और अगर मकसद ये नहीं है तो फिर सूरत में सारी दुनिया की ख्वाहिशात। और आप इन बात की समझ लो, कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब बंदा ईमान लाकर के आमाल सालेहा करता है तो मैं उसके लिए मोहब्बतों को पैदा करता हूं। लोग उसके मुसाफे करते हैं, उसके मुसाफे नहीं भी करते तब भी लोगों के दिलों में उसकी अजमत होती है। मेरे भाइयों, दंडों की अजमत कोई चीज नहीं होती, आंखों निकालने की अजमत कोई चीज नहीं होती, पैसों की अजमत कोई चीज नहीं होती, ये कोई अजमत नहीं है। अल्लाह जब दिल में मोहब्बत डाल देता है यह अजमत हुआ करो। और इसको मैं भी कह रहा हूं, कुरान में अल्लाह ताला फरमाया कि जो ईमान लाया और आमाल सालेहा किया मैं उसकी मोहब्बत को पैदा कराया, लोगों के दिलों में उसकी मोहब्बत को कूद कर भर दूंगा। मुद्दा लोग उससे मोहब्बत करेंगे, लोग उसको सीने से लगाएंगे, लोग उसको अच्छी नजर से देखेंगे, लोग उसका इकराम करेंगे, लोग उसकी ताजीम करेंगे। और जब तुम मेरे लिए बनोगे वो भी अल्लाह प्यार है, जब तुम मेरे लिए बनोगे और अपनी शरीयत को जब तुम मनमानी तौर पर इस्तेमाल करोगे अगर तुमने मेरी नेमतों की नाशुकरी की और तुम मेरे नहीं बने तो फिर मैं तुम्हें भूख का आजाद चखाऊंगा, हालात का आजाद चखाऊंगा, मुसीबतों का आजाद चखाऊंगा, दुश्मनियों का आजाद चखाऊंगा, मार धार का आजाद चखाऊंगा, नफरतों का आजाद चखाऊंगा। फिर तुम्हारा हाल यह होगा कि तुम जाहिर में मुस्कुरा रहे होंगे, अंदर में दिल हो रहा होगा। हमारे मकान है तो इज्जत के सामान से भरे हुए हैं, सोने भी है, बेड भी है, पत्तला के एसी भी लगे हुए हैं, पैसे भी हैं, सब कुछ है, लेकिन दिल अंदर से परेशान है। इसकी मिसाल ऐसी है कि किसी को कब्र में हमने दफन किया, अंदर में आग लगी हुई है और मैं ऊपर फूल भी डाल रहा हूं और चादर भी चढ़ा रहा हूं और संगमरमर भी लगा रहा हूं और सब कुछ कर रहा हूं, लेकिन मुझे क्या पता कि अंदर आग लगी हुई है। इसी तरह जो अल्लाह की नेमतों की नाकदरी करता है और उसकी शरीयत की जब बगावत करता है तो जाहिर में उसका कपड़ा भी बड़ा खूबसूरत नजर आता है, उसकी मुस्कुराहट भी नजर आती है, उसका चेहरा भी खूबसूरत नजर आता है, लेकिन अंदर का दिल वो जल रहा है कि रातों की नींद भी हराम और दिन का सुकून भी हराम। इसलिए भाइयों हमें चाहिए कि हम अपनी जिंदगी को और अपनी जिंदगी के मकसद को आखिर बनाए। ये दुनिया आने वाली है, ये जाने वाली है, ये दुनिया की जिंदगी पानी वाले खुदा है तो कभी भी बच सकता है। ये दुनिया की जिंदगी हकीकत में बाजी में रखा हुआ एक चिराग है जो हमारी आंखों से कभी भी बुझ सकता है। कुरान करीम में अल्लाह ताला कभी दो गरीब बात इशार फरमाते हैं, इन्नल लजीना कालू रब्बुना अल्लाह थुम्मा इस्तकामू ततनज्जल अलैहिम अल मलाइका अल्ला तखाफू वला तहज़नू वअबशिरू बिल्जन्नति अल्लती कुंतुम तुअदून। इस पर तो घर तो चाहिए मैं एक मिनट के इंसान में आपके जहनों पर एक बात को उतार दू। एक इंसान छोटे से मकान में रहता हो, एक कमरे का मकान हो, सारा सामान भी उसके पास नहीं है, एक छोटा सा उसका मकान है उसमें रह रहा है और अचानक मौलाना आए और उसको एक चाबी दे और उसको कहे लो ये मकान ले लो, बड़ा शानदार मकान है, चार बेडरूम का, पांच बेडरूम का, हम आपको बेहतरीन किस्म का मकान देते हैं, जाओ हमने तुमको मकाना दिया। आप बताइए कि वो इंसान एक छोटे से मकान में रहता था जिसके पास सामान नहीं था, ऐसा इज्जत का कांटे और बच्चे और मक्खियां थी, जब उसको इतना बड़ा साफ सुथरा मकान मिलेगा उसके जी को कितना सुकून।
होगा, कितनी खुशी होगी उसी को पूरी कीजिए। तो आइए अब अल्लाह ताला भी हमको मौत के मौके पर मौके पर क्या कहता है, इन नदी अखबार अल्लाह, इस मौके ने दुनिया में यह कहा अल्लाह हमारा रब, फिर जम गया उस पर दुनिया के हालात से भी डरा, पर जम गया मेरा आना मेरा आना, उसने जो कहा वो तुम मत बताओ पर बताए था। तो मौत के मौके पर फरिश्ते आते हैं और उसको क्या कहते, अल्लाह तहा को न गम कर मना कर मत मना कह बन और गम न कर बात की जन्नत की गति और तुम बचाव हासिल कर उस शानदार मकान की जन्नत की शक्ल के बेटे निकल इस छोटी सी दुनिया की निकल इस काटेदार दुनिया की बात शुरू में जन्नत की गति तुम तो आगे ना लो दिया और तुम बिठाया कि दुनिया हम दुनिया में भी तेरे साथ मरने के बाद भी रहेंगे सकूं और अब कब्र में जाने के बाद तेरी चाहत के मुताबिक हम चुके रही मेरे बंदे, अब तेरा हाल यह होगा कि तू मेरा मेहमान होगा और अल्लाह तेरा मेहमान होगा। और जब अल्लाह मेजबान है तो हर मेजबान अपनी शान के मुताबिक दावत करता है, अल्लाह अपनी शान के मुताबिक अपने मोमिनों की दावत करेगा। अल्लाह ताला हम तमाम अपनी जिंदगी का मकसद आखिरत को